जेएस कॉमर्स क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिन्होंने क्या टेंशन सुन तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एटीकेटी बैकलॉग जो भी है अब आपके दिमाग में और कंफ्यूजन हमारे साथ में ऐसा कि फाइनल एग्जाम कैंसिल कर दिए कि आपके भी एग्जाम कैंसिल हुए। अब ऐसा ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है कि एटीकेटी को भी पास कर दिया गया है। इसके लिए मैं बोल रहा अगर आपको एटीकेटी है बैकलॉग है एसवाई में आपका तीनों साल मतलब आपका डिग्री क्लियर हो गया एसवाई में कुछ होगा टीवाई की फिफ्थ सेम में कुछ होगा टीवाई की सिक्स सेम में कुछ होगा ऐसा एटीकेटी है और आपका जुलाई में एग्जाम होने वाला था लेकिन अब बिकॉज ऑफ एग्जाम कैंसिल होने से शायद आपका भी कैंसिल हुआ। तो ये देखने के लिए प्लीज इस वीडियो को टिल एंड तक देखना ताकि ये वीडियो स्पेशल ओनली फॉर एटीकेटी स्टूडेंट के लिए ठीक है। तो प्लीज तो सबसे पहले जैसे गवर्नमेंट ने अभी जो डिसीजन ली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि फाइनल एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा और जो सेमेस्टर मार्क्स थे लास्ट ईयर के या जो सेमेस्टर के थे उसका एवरेज देके आपको पास किया जाएगा सिक्स सेमेस्टर मतलब जो भी फाइनल ईयर के होंगे। लेकिन क्या होगा एटीकेटी का एटीकेटी स्टूडेंट्स का बिकॉज कि काफी बच्चों को एक साल ड्रॉप लगा होगा कुछ हुआ रहेगा अब उनका क्या होगा क्या फिर से एक साल वापस एक साल वेट करना होगा। अगर उनका एग्जाम अगस्त में होता तो आप मतलब फिर से एक साल वेस्ट क्या अपना साल फिर से वेस्ट करना चाहते हैं। जिस तरह से उदय सावंत सर जी ने कहा था एक भी बच्चे का हम साल खराब नहीं होने चाहिए आप भी उसी बच्चे में आते हैं आते कि नहीं आप भी स्टूडेंट हो कि नहीं महाराष्ट्र के ठीक है। तो आपके लिए भी सेम डिसीजन होना चाहिए जैसे कि रेगुलर के लिए होगा देखिए आपने भी अपने तीन साल दिए थे कॉलेज को बाय लकली आप सक्सेस नहीं हो पाए होंगे फेल हो गए रहेंगे तो लेकिन अब आपके पास में चांस था आप एग्जाम दे सकते लेकिन ये गवर्नमेंट ने कैंसिल करी तो जब वो कैंसिल हुआ तो आप मेरे हिसाब से आपको भी पार्शियलिटी मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम भी कैंसिल होए और आपको पास कर दिया जाए आपके पर्टिकुलर एटीकेटी सब्जेक्ट के लिए आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर करना पड़ेगा वायरल करना पड़ेगा ताकि ये गवर्नमेंट तक वीडियो जाना चाहिए पहुंचना चाहिए उनको भी समझना चाहिए कि नहीं हम अगर एटीकेटी के एग्जाम्स लेंगे तो थोड़ा सा पार्शियलिटी हो जाएगी बिकॉज आप भी स्टूडेंट हो वो भी स्टूडेंट है जब उनके पेपर कैंसिल कर दिए गए पॉसिबल नहीं है है कि नहीं तो आपके साथ में क्यों आपके जान के साथ में क्यों खेलेंगे गवर्नमेंट। अगर पेपर लेट कंडक्ट करते हैं तो आपका साल खराब होने का चांसेस है आप एडमिशन नहीं ले पाओगे कोई कोर्सेस में बिकॉज जब तक आपका फाइनल डिग्री क्लियर नहीं होती तो आप कोई भी नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट कोर्सेस में एडमिशन नहीं ले सकते तो आपका क्या फिर से एक साल खराब होगा। ताकि उदय सावंत सर जी ने प्रॉमिस किया था और हर बार एक ही चीज कहते कि हम कोई भी बच्चों का साल खराब नहीं होने देंगे तो अगर आपका साल खराब होगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा आपको भी नहीं लगेगा और उदय सावंत सर जी को भी नहीं लगना चाहिए। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अगर आप एटीकेटी स्टूडेंट हो तो पहले बात तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और जितने भी सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं आप उसमें भी शेयर करो ताकि इस बारे में उन लोग को भी सोचना होगा थोड़ा सा कि ये एग्जाम को भी कैंसिल करना होगा एटलीस्ट जिनकी डिग्री हो चुकी है और एक या दो सब्जेक्ट के लिए केटी बची हुई है अदरवाइज उनका एक साल खराब होते हुए फिर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आगे देखो क्या डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट। ओके फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ओके शेयर करना भूलो मत अपने दोस्तों के साथ में और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो या पर्सनल नंबर भी दिया उसमें भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय बाय।